नमस्कार मित्रों, संदीप ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाई कोर्ट में जो वैकेंसी आई हुई है, हाई कोर्ट में जो भर्ती प्रक्रिया आई हुई है 8वीं 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट्स के लिए, उसका फॉर्म किस प्रकार भरना है और इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है, संपूर्ण डिटेल्स इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो पे चलने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो हम सबसे पहले इस भर्ती प्रक्रिया की पोस्ट दिखा देते हैं। तो प्रथम पोस्ट आपको मिल रही है ग्रुप बी में स्टेनोग्राफर की यहाँ पोस्ट मिल रही है, जिसमें आपको पेमेंट मिलेगा 7,100 रुपये से स्टार्ट होगा आपका पेमेंट, जो मिलेगा 37,600 रुपये पर मंथ। ग्रेड पे की बात करें तो 3,900 रुपये आपको इसमें ग्रेड पे मिल जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट आपको मिल रही है एलडीसी की, लाउड डिवीजन कलर की यहाँ आपको वैकेंसी मिल रही है, और इसमें ग्रुप सी के अंतर्गत ये वैकेंसी है, आपको मिल रही है 5,400 से लेके 25,200 रुपये आपको इसमें वेतन मिलेगा। और ग्रेड पे की बात करें तो ग्रेड पे आपको मिलेगा 2,600 रुपये इसमें ग्रेड पे मिल जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी ग्रुप सी से निकल रही है, टाइपिस्ट कॉपी पेस्ट की यहाँ वैकेंसी मिल रही है, जिसमें आपको पेमेंट मिलेगा 5,400 से लेके 25,200, ग्रेड पे आपको मिल रहा है 2,600। इसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है ग्रुप डी की, ग्रुप डी में प्रोसेसर सर्वर की वैकेंसी आपको मिल रही है, जिसमें पेमेंट मिलेगा 5,400 से लेके 25,200 और इसमें ग्रेड पे मिलेगा 2,300। ग्रेड पे आपको इसमें थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि ग्रुप डी की ये वैकेंसी है वो आपको मिल रही है। नेक्स्ट वैकेंसी आपको मिल रही है पियोन फ्रास डे गार्ड, तो यहाँ आपको ये तीन प्रकार की पोस्ट मिल रही है, जिसमें आपको पेमेंट मिलेगा 4,900 से लेके 16,200, ग्रेड पे आपको मिलेगा 1,700 रुपये। तो भाई हर इस पोस्ट पर आपको अच्छा पेमेंट मिल रहा है। और इसके साथ नेक्स्ट वैकेंसी नाइट गार्ड की यहाँ वैकेंसी मिल रही है, ग्रुप डी के अंतर्गत ये वैकेंसी है। और इसके बाद में स्वीपर की आपको पोस्ट मिल रही है, स्वीपर में आप यहाँ देख सकती हो वैकेंसी जो आपको स्वीपर की मिल रही है, जिसमें आपको पेमेंट मिलेगा 4,900 से लेके 16,200, ग्रेड पे की बात करें तो 1,700 रुपये आपको इसमें ग्रेड पे मिल जाएगा। तो इस वीक की ये सबसे अच्छी वैकेंसी आई हुई है। तो आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे है 2, यहाँ देख सकती हो सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, आपको इसका राइट आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। प्रथम आपको मिलेगा उमा भारती, सेकंड मिलेगा आपको बी ऑप्शन मिलता है सुष्मिता सेन, सी ऑप्शन मिलेगा आपको एम फातिमा वीवी, और डी आपको ऑप्शन मिलेगा कृणम मलेश्वरी। ये आपको फोर्थ इसमें ऑप्शन मिलेंगे, आपका जो राइट आंसर है वो कमेंट में आप बता सकते हैं। और अभी हम बात करते हैं इसमें जो है योग्यता है वो क्या रखी गई है आपकी। तो यहाँ देख सकते हो हमारी पोस्ट थी प्रोसेसर सर्वर, पियोन, डे गार्ड और नाइट गार्ड, ग्रुप डी की आपको पोस्ट मैंने बताई थी। और इस पोस्ट में आपको होना है 8वीं पास, यानी किसी भी गवर्नमेंट से यदि आपने 8वीं पास की है तो इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, इसमें आपका सिलेक्शन है वो रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप, आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको जो टोटल ऑफ मार्क्स इसमें दिए जाएंगे शो, और आप कितने मार्क्स लेकर आते हो ये आप पे निर्भर करता है, और शायद इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो यहाँ देख सकते हो कौन कौन से क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। तो इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे इंग्लिश, जनरल नॉलेज और अर्थमेटिक्स में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, और नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ मिल रही है 1 नंबर की। तो यदि आप इसमें गलत क्वेश्चन करते हो तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ टोटल टाइम भी कितना दिया जाएगा, 1.5 घंटे का समय आपको इसमें दिया जाएगा। द क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये जो क्वेश्चन पेपर होगा इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। तो यदि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में ये केवल पेपर बताया है। विभाग ने भी आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये जानकारी बताई है कि भाई आपको ये जो है और जो पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलेगा। और हम ये बात करते हैं इसमें जो नेक्स्ट पोस्ट आपको मिल रही थी को टाइपिस्ट और कॉपी पेस्ट की,
जिसमें योग्यता रखी गई थी माध्यमिक की, यानी कि 10+2 यदि आप हैं तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर ज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान के साथ साथ होनी चाहिए आपके साथ आपके पास टाइपिंग नॉलेज। टाइपिंग नॉलेज भी यहाँ बताई गई है, स्पीड कितनी बताई गई है स्क्रीन पर देख सकते हो, 30 वर्ड पर मिनट इसमें आपको जो है टाइम दिया जाएगा। और यहाँ डिटेल्स देख सकते हो। अभी हम बात करते हैं आवेदन शुल्क के, तो आवेदन शुल्क आप यहाँ देख सकते हो जो एस सी एस टी कैंडिडेट्स हैं छत्तीसगढ़ के, उनको केवल इसमें छूट मिल रही है, केवल छूट मिल रही है उन्हीं को। अदर जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो उनको छूट नहीं मिलेगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है http://district.ecourt.gov.in इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसमें ये जो जिला कोर्ट है जिसका नाम इसमें आप देख सकते हैं। वैकेंसी आपको जो वैकेंसी जो आपको मिल रही है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मिल रही है, और ये डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे भी मिल जाएगी। और कोलकाता से ये वैकेंसी है आपको मिल रही है, पश्चिम बंगाल से वैकेंसी आई हुई है। यदि आप इंटरेस्ट हैं पश्चिम बंगाल जॉब करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लें ताकि आप इस भर्ती प्रक्रिया के जो है नियम और जो शर्तें हैं वो जान लें। तो ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन हर राज्य के दिखाए जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट जॉब के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।